हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम शुमाइल है, आप लोग देख रहे हैं वर्ल्ड टेक न्यूज़। आज मैं करूंगा कंप्लीट कैमरा रिव्यू हमारे एल जी वेलवेट का, और आपको बताऊँ क्या इस फोन का कैमरा इतना अच्छा है कि ये अभी भी आपको 46 से 50,000 में मिलता है, तो इसकी प्राइस को जस्टिफाई करता है, या फिर अब आप जो है दूसरे फोन ले सकते हो, इस फोन का कैमरा इतना अच्छा नहीं है। तो स्टार्ट करता है आज की वीडियो। बात करूँ कैमरा स्पेसिफिकेशन की, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, और आपको डेप्थ सेंसर मिल जाता है। एक फ्रंट पे आपको एक 16 मेगापिक्सल की सेल्फी मिलती है। बात करूँ इसके मेन चीज़ की, जो कि इसका यूआई है कैमरे का, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो का मोड है, वीडियो का मोड है, टाइम लैप्स का ऑप्शन इस तरफ मिल जाता है। अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो यहाँ पर आपको नाइट व्यू का ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको पोर्ट्रेट का ऑप्शन मिल जाता है, जो पोर्ट्रेट है वो दोनों तरफ बैक और फ्रंट पे दोनों में काम करते हैं, लेकिन जो नाइट व्यू है वो सिर्फ बैक कैमरा में काम करता है, फ्रंट कैमरा में कोई भी नाइट व्यू नहीं मिलता। स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर आपको। इसके अलावा मोर पे आपके जाके यहाँ पैरानोमा मैनुअल कंट्रोल का ऑप्शन मिल जाता है, स्लोमो का ऑप्शन मिल जाता है, यूट्यूब पे लाइव का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आपको सिनेमेटिक शॉट का ऑप्शन मिल जाता है, 360 पैनोरामा का ऑप्शन मिल जाता है, इसके अलावा AR स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो यहाँ पर AI का ऑप्शन है, इसको आप चाहो तो ऑफ भी कर सकते हो, ऑन भी कर सकते हो। आप ऑन करोगे तो AI के थ्रू डिटेक्ट कर लेगा कि भाई यहाँ पर आप जो है वो किस चीज़ की पिक्चर ले रहे हो। इसके अलावा इस तरफ जो आप ऑप्शन दिख रहे हैं, अगर आप सेल्फी ओपन करते हो तो इस तरफ ब्यूटी का ऑप्शन आ जाता है, ब्यूटी को आप ऑन ऑफ कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो है वो ऑप्शन मिल जाता है कि आपको किस रेजोल्यूशन में पिक्चर लेनी है। आप देख सकते हैं 48 मेगापिक्सल के यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर मैं दिखा पाऊँ सही से तो यहाँ पर आपको 48 मेगापिक्सल का ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर आपको 16.9 का रेशो मिल जाता है 1.1 का और फुल का, तो 4.3 का जो ऑप्शन है वो आपको कुछ 12 मेगापिक्सल की पिक्चर प्रोवाइड करता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको जो इनके फिल्टर्स हैं, फिल्टर्स का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर विविड है, मैरी है, इसके अलावा बहुत सारे फिल्टर यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। टाइमर लगा सकते हैं, फोटो पर टाइमर का ऑप्शन मिल जाता है। सेटिंग में जाते हैं तो सेटिंग में जाके भी आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि सीन को जो है वो खुद से ऑप्टिमाइज़ कर लेगा भाई सीन कौन सा है। इसका टिप्स का ऑप्शन है, टिप्स आपको देता रहेगा। इसके अलावा फोटो का जो मैं बात कर रहा था वही यहाँ पर आया था, भाई किस पिक्सल में आपको पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पर सारे पिक्सल दिए हुए हैं जो कि ये सपोर्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। HDR ऑटो पे किया मैंने, HDR आप चाहो तो ऑन भी कर सकते हो। सेल्फी डिस्टॉर्शन करेक्शन, मतलब जो सेल्फी में रात के टाइम अगर आप पिक्चर ले रहे हो तो उसको सॉफ्ट कर देगा। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो आपको पिक्सल्स दिखेंगे, लेकिन इसको ऑन करोगे तो सेल्फी सॉफ्ट कर देगा, लेकिन सेल्फी की जो आपको एक नज़र में देखने में अच्छी लगेगी। इसके अलावा लाइव फोटो का ऑप्शन है, ग्रिड का ऑप्शन है, सेल्फी शूट का ऑप्शन है, वीडियो शटर का ऑप्शन है, और आपको सिग्नेचर भी आप चाहो तो अपना यहाँ पर ऐड कर सकते हो। तो ये कुछ ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, अब चलते हैं कुछ वीडियो सैंपल पे और पिक्चर पे, एंड में बात करेंगे कंक्लूजन की। सो दोस्तों, ये वीडियो बन रही है इसके फुल HD मेन कैमरे से, फुल HD 30 फ्रेम पे। स्टडी मोड मैंने ऑन किया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है स्टडी मोड, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल वीडियो बन रही है। कलर्स आप चेक कर सकते हैं, डिटेलिंग भी अच्छी है ओवरऑल। यहाँ पर एक्सपोजर भी मुझे ठीक काम कर सकता है, प्राइस के हिसाब से वीडियो अच्छी बन रही है। थोड़ा भाग के देखता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्टडी मोड अच्छे से काम कर रहा है, एक्सपोजर भी सही से मैनेज कर लेता है ये। अब ये वीडियो बन रही है फुल HD 60 फ्रेम पे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो स्टडी मोड है वो गायब हो चुका है, क्योंकि स्टडी मोड सिर्फ और सिर्फ आपको फुल HD 30 फ्रेम पे मिलता है। तो यहाँ पर वीडियो चेक कर सकते हैं कैसी बन रही है। यहाँ पर हल्का फुल्का मुझे एक्सपोजर जो है वो डिले होता हुआ दिख रहा है, जो फोकस है वो स्लाइटली डिले है। फ्रेम्स अच्छे हैं 60 फ्रेम पे। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। ये वीडियो बन रही है 4K 30 पे, 4K आपको 60 का ऑप्शन नहीं मिलता, और यहाँ पर भी स्टडी मोड नहीं है, थोड़ा सा क्रॉप सेंसर हो गया है। वीडियो आप देख सकते हैं कैसी बन रही है। यहाँ पर फुल HD 30 फ्रेम पे ही वीडियो जो है अच्छी बनी थी। यहाँ पर भी जो मुझे वीडियो है वो एक तो काफ़ी हिल रही है, इसके अलावा जो कलर्स हैं वो थोड़े से मुझे डार्क डार्क फील हो रहे हैं। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। ये वीडियो बन रही है फुल HD 30 फ्रेम पे। अब यहाँ पर फ्रंट कैमरा आपको कोई भी स्टडी मोड नहीं मिलता। ये मेरे दोस्त हैं, ये अभी मिले हैं मुझे, ठीक है। सो देख सकते हैं कैसी वीडियो बन रही है। कलर्स वगैरह ठीक है, डिटेलिंग वगैरह ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो ऑटो फोकस है वो भी सही से काम कर रहा है, मतलब फोकसिंग सही से कर लेता है, ठीक है। अब चलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट पे। सो दोस्तों, ये पहली पिक्चर है, डे लाइट कंडीशन में ली गई है मेन कैमरे से। यहाँ पर पिक्चर सॉफ्ट ज़रूर है थोड़ी सी, लेकिन इसके कलर्स अच्छे हैं, डिटेलिंग अच्छी है,
जितने भी घर के कलर्स हैं वो अच्छे हैं। बात करूँ दूसरी पिक्चर की, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जो ब्लू कलर है, जो येलो कलर है, जो लोग बैठे हुए हैं उन पर भी काफ़ी सारा अच्छे से फोकस किया हुआ है। ओवरऑल जो आसमान है वो भी सही से दिख रहा है, जो कलर्स हैं वो अच्छे हैं, इसके अलावा डिटेलिंग भी यहाँ पर अच्छी है। अब ये दूसरी पिक्चर है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कलर अच्छे हैं, डिटेलिंग भी अच्छी है, ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा जो है डिटेल पिक्चर है, और जो डायनेमिक रेंज है वो भी अच्छी है, जो आसमान के बादल हैं वो सही से दिख रहे हैं। अब ये दूसरी पिक्चर है, ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो कलर्स हैं अच्छे हैं, जो ज़मीन पर देख सकते हैं जो टाइल्स लगे हुए हैं वो भी अच्छे से दिख रहे हैं, जो पत्थर हैं वो भी अच्छे से दिख रहे हैं, जो आसमान पर बादल हैं वो भी अच्छे हैं। अब ये मस्जिद की पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिटेलिंग अच्छी है, जो जो आपके पेड़ हैं उनको हल्का सा जो कलर है वो चेंज कर देता है, थोड़ा ग्रीनिश जो है ज़्यादा कर देता है, और पिक्चर अच्छी है। अब बात करूँ पोर्ट्रेट की, तो आप लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे से पोर्ट्रेट लिया है, कलर्स पोर्ट्रेट पर अच्छे हैं, डिटेलिंग भी अच्छी है, थोड़ा बहुत आपको जो है एजिस का इशू यहाँ पर मुझे दिखा, लेकिन ओवरऑल जो पिक्चर है वो अच्छी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे जो साइड से बाल, आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बाल को हल्का सा ब्लर कर दिया है, और हल्का सा मेरी जो जो जैकेट है, जो मतलब मैं अपर पहना है, उसको ब्लर कर दिया है, तो ओवरऑल हिडन मिस रहता है इसका जो पोर्ट्रेट। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पोर्ट्रेट बिल्कुल सही लिया है, क्योंकि जिसका मैंने पिक्चर लिया उसके जो बाल हैं वो इतने ज़्यादा नहीं है, तो इसके ज़्यादा कन्फ्यूज़ नहीं हो। आपके बाल अगर बिखरे हुए हैं तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा आपको जो है ना पोर्ट्रेट में इशू हो सकता है। आप देख सकते हैं ये भी मैंने पोर्ट्रेट में पिक्चर ली है, कलर्स यहाँ पर भी अच्छी है, डिटेलिंग अच्छी है, एज लॉन्ग एज आपके बाल ज़्यादा नहीं होंगे तो जो पोर्ट्रेट है उसमें ज़्यादा इशू नहीं रहता। हम बात करें एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर ये देखते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग पिक्चर थी, देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, डिटेलिंग अच्छी है, कलर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ओवरऑल पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। बात करूँ सेल्फी की, तो सेल्फी भी देख सकते हैं कि सेल्फी 16 मेगापिक्सल के हिसाब से कैमरा जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। जो मेरी हुडी का कलर है वो बिल्कुल नेचुरल लिया है इसने। अब यहाँ पर एक और पिक्चर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो कलर है वो भी अच्छे हैं, ये मैंने पोर्ट्रेट मोड पे लिया है, पोर्ट्रेट मोड भी आप देख सकते हैं कि मेरे जो बाल साइड से जो है वो ब्लर कर दिए हैं, तो पोर्ट्रेट पर हिडन मिस यहाँ पर रहता है, लेकिन ओवरऑल पिक्चर की जो क्वालिटी अच्छी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मैंने ग्रुप सेल्फी ली है, यहाँ पर भी हमारे जो चेहरे के कलर हैं अच्छे हैं, डिटेलिंग अच्छी लगती है, चेहरे को अच्छे से बैलेंस कर लेता है, ओवरऑल 16 मेगापिक्सल के हिसाब से जो सेल्फी कैमरा है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब ये मैंने पोर्ट्रेट पे लिए, पोर्ट्रेट देख सकते हैं कि चार बंदे हैं, और चारों के जो इसने पोर्ट्रेट है वो बिल्कुल कैप्चर किया, चारों का फोकस रखा, जो कि बड़ी बात है सेल्फी में चार लोगों को फोकस रखना, वही पोर्ट्रेट में। अब बात करूँ एक और पिक्चर की, तो यहाँ पर पोर्ट्रेट में आपको 3 से 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक ऑप्शन था, मैंने उसको लगा के आप देख सकते हैं यहाँ पर चेंज हुआ हुआ थोड़ा सा पोर्ट्रेट, इसके बाद फिर मैंने कलर पोर्ट्रेट किया, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी यहाँ पर मिल जाता है, जबकि थोड़ा बहुत आपको एजेस का इशू रहता है, लेकिन ये ऑप्शन यहाँ पर मिल जाते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड जो है ब्लैक है, मैं जो है कलरफुल हूँ। इसके अलावा एक और पिक्चर की बात करूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी जो है पोर्ट्रेट में मिल जाता है, पोर्ट्रेट में आपको 4 से 5 ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब जितने फीचर होते हैं उतना अच्छा है। अब बात करूँ और फीचर पिक्चर की, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि AR मोड का ऑप्शन है, मैं उसका खेल रहा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि आपको स्नैपचैट से मिल जाते हैं, लेकिन मोबाइल में अपने हो तो ज़्यादा बेहतर है, तो यहाँ पर ऐसे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं। अब ये देखें ऐसा कुछ, ये पिक्चर भी आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ पर जो है वो कुछ कार्टूनिश जो है वो पिक्चर है, और बच्चे वगैरह आपके घर में तो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा ये ऑप्शन, यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ऑप्शन भी आप देख सकते हैं कि मुझे जो है बिल्ली बना दिया इसने, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फीचर है, फीचर रिच मुझे इस फ़ोन का जो कैमरा लगा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पिक्चर आपको मिल जाते हैं। अब एक और पिक्चर देखूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डे लाइट कंडीशन में पिक्चर लिए, डे लाइट में एज लॉन्ग एज आपकी पिक्चर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, डे लाइट कंडीशन में सेल्फी कैमरा काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है और नेचुरल लगता है फोन आपके चेहरे को। और एक और पिक्चर देख सकते हैं, जब तक आप ब्यूटी मोड ऑन नहीं करते जब तक आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल नेचुरल रहता है, ब्यूटी मोड के बाद आपका जो चेहरा है थोड़ा सा आपको जो है ना अच्छा लगता है, मतलब थोड़ा सा अच्छा कर देता है आपको। नाइट मोड की बात करूँ, तो नाइट मोड की पिक्चर देख सकते हैं कि लो लाइट कंडीशन में पिक्चर लेता है, नाइट मोड अच्छा है, लेकिन इस नाइट मोड को आप डायरेक्ट गूगल वगैरह से तो कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन ओवरऑल इस प्राइस के हिसाब से नाइट मोड अच्छा है। अब एक और पिक्चर देख सकते हैं कि ये भी लो लाइट कंडीशन में ली गई पिक्चर है, कलर्स वगैरह ठीक है, डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिल जाती है पिक्चर के अंदर, काफ़ी ज़्यादा रात थी तो नाइट मोड कुछ ऐसे ही काम करता है। अब ये भी नाइट मोड के अंदर ली है, ये नाइट मोड अच्छा है लेकिन नॉट द बेस्ट, मतलब इस प्राइस में आपको इससे अच्छा नाइट मोड मिल जाता है, हत्ता कि मैंने बॉक्स पैक फोन में भी इससे अच्छे नाइट मोड देखे हैं। और ये सेल्फी कैमरा है, लो लाइट कंडीशन में सेल्फी ली है, लो लाइट कंडीशन में आपकी जो सेल्फी है बिल्कुल डार्क कंडीशन होती है, तो वहाँ पर कुछ इस तरह की सेल्फी आपको देखने को मिलती है। सर उसमें बात करूँ फाइनल कंक्लूजन की, तो भाई इस फोन का कैमरा मुझे अच्छा लगा, मेन कैमरे से पिक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी आती है, अल्ट्रा वाइडिंग कैमरा इतना खास नहीं है, मेन कैमरा आपको जो है पिक्चर अच्छी प्रोवाइड कर देता है, जो वीडियो है वो फुल HD 30 फ्रेम पे, जहाँ पर आपका EIS काम करता है, यहाँ पर कोई भी ऑप्टिकल इमेज रेजोल्यूशन नहीं मिलती, मतलब OIS नहीं मिलती, जस्ट आपको EIS की सपोर्ट मिलती है।
तो फुल एच डी 30 फ्रेम पे वीडियो अच्छी बना लेता है, लेकिन अगर आप जैसे ही 4K या फुल एच डी 60 पे शिफ्ट होते हो तो वीडियो जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक तो जर्क भी करती है और एक्सपोजर भी हल्का फुल्का मुझे इशू करता हुआ दिखा है वीडियोज़ के अंदर, लेकिन फुल एच डी 30 फ्रेम पे वीडियो अच्छी बना लेता है। उसका बात करूँ फ्रंट पे, तो फ्रंट पे आपको जो सेल्फी कैमरा मिलता है उस पे जो कलर्स हैं मुझे अच्छे लगे, डिटेलिंग वगैरह अच्छी लगी। अगर आप ब्यूटी मोड को ऑन करते हो थोड़ा ब्यूटीफाई वगैरह कर देता आपको, तो सेल्फी कैमरा इसका अच्छा था और सेल्फी कैमरे की वीडियो वगैरह भी फुल एच डी 30 फ्रेम पे अच्छी बना लेता है। लेकिन बात करूँ अगर इसके मेन कैमरे की, तो मेन कैमरा नाइट मोड पर भी अच्छा काम करता हुआ दिखा, लेकिन इस कैमरे को आप गूगल पिक्सल के कैमरे से, किसी भी कैमरे से जो कंपेयर नहीं कर सकते। मतलब अगर आप गूगल पिक्सल का पिक्सल 4a या 4a 5G लोगे तो वहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैमरा मिल जाएगा इस फ़ोन से। तो याद रखिएगा बात हमेशा कि अगर आप ये फ़ोन ले रहे हो तो लुक्स और डिस्प्ले की वजह से तो ये फ़ोन आप ले सकते हो, या 5G होने की वजह से ये फ़ोन ले सकते हो, या बैटरी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी है, गूगल से बहुत ज़्यादा अच्छी बैटरी है, लेकिन स्पेसिफिकली कैमरा के लिए ये फ़ोन लेना आई थिंक ठीक नहीं होगा इस प्राइस में, क्योंकि आपको इसी प्राइस में पिक्सल 4a 5G ऑफिशियल PTA अप्रूव मिल जाता है, जो कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर कैमरा आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये थी आज की वीडियो, कैसे लगी आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।